रिएक्शन है विलियमसन रिएक्शन, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस को याद रखने का बहुत आसान तरीका है रोना एक्सआर। तो आप ये याद रख लो, रोना एक्सआर, विलियम का बेटा एक्सआर बहुत रोता, तो विलियम अपने बेटे से बोलता रोना एक्सआर। अब यहां पर NaX निकाल दो और ROR बना लो। तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है, ये CH3 हो सकता है, ये CH3CH2 हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है। 3 डिग्री मतलब एक कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हैं, ये 3 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन ये जो R है ये 3 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? अब अपन इसको आगे देखते हैं, ये 3 डिग्री होता है तो क्या होता है। जैसे रोना XR, तो NaX निकल गया, ROR बन गया। अब एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहां लिया CH3CH2ONa और यहां पर लिया CH3Cl, तो यहां पर ये NaCl निकल जाएगा और ये CH3CH2OCH3 बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। तो ये इस तरह से रोना XR। अब CH3 ये 3 डिग्री सोडियम ऑक्साइड है, ये 3 डिग्री है। ओ ये जो R है ये 3 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन 3 से जुड़ा है, और C2H5 और ये Cl, तो यहाँ ये NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा C और ये ओ C2H5। तो इस तरीके से ईथर बन गया। तो ये अपना 3 डिग्री ONa चल जाएगा, ONa वाला R 3 डिग्री चल जाएगा, उससे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 3 डिग्री लेता तो क्या होता? ये Cl, ये कार्बन और इससे जुड़े 3 मिथाइल, और इसको अगर मैं CH3CH2ONa ले लूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसमें प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा। अब इसमें ईथर क्यों नहीं बनेगा इसको समझते हैं। होता क्या है, ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा और ये भी माइनस और प्लस में ब्रेक होगा। तो यहां पर ये जो कार्बन है, ये जो प्लस है कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका मतलब ये है इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 3 अल्फा कार्बन है, और इन 3 अल्फा कार्बन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन की मदद करेंगे और इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा CH3 CH3। आपने क्लास 11th में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, ये कार्बोकैटायन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को दे दे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक एल्कीन बन जाएगा, CH3 C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव रह जाएगा। तो बारी बारी जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसकी एल्कीन बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये एल्कीन बन जाएगा और इस एल्कीन का नाम हो जाएगा 2-methyl-prop-1-ene, 2-methyl-prop-1-ene एल्कीन बन जाएगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको नाम याद रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रोना XR,
NaX निकल जाएगा, ROR बन जाएगा, ये 3 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन आएगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी जिससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा।